इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जाकी नगर इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देशभक्ति गीत के साथ यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है आरिज खान, साथ ही वार्ड नंबर 189 से आम आदमी के प्रत्याशी है वाजिद खान, उनका भी यहाँ से रोड शो निकाला जा रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड शो की तैयारी है। यहाँ से आज इनके साथ यहाँ के जो प्रेजेंट विधायक है मानतुल्ला खान, वो भी इनके साथ रहेंगे। तो आज आखिरी चुनावी प्रचार है, इसमें आज लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर? दिल्ली MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है 15 साल के BJP के भ्रष्टाचार के शासन को उखाड़ फेंकने का और आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को MCD में लाने का। क्या कहेंगे सर? MCD चुनाव के अंदर अब भारी मतों के साथ पूर्ण समुद्र के साथ आम आदमी पार्टी आ रही है और अब काम होगा। स्वच्छ दिल्ली बनेगी, साफ दिल्ली बनेगी। छोटे छोटे काउंसलर हर गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे काउंसलर होंगे। हमारी RWA जो है RWA को काउंसलर का छोटे काउंसलर का जरूर देंगे। हर गली मोहल्ले के अंदर काउंसलर होगा, उसका वो कैसे खर्च करेगा, किस तरह से अपनी गली में खर्च करेगा, कैसे लाइटें लगवाएगा, कैसे गलियां साफ कराएगा, ये सारा उसके ऊपर रहेगा। लेकिन सर केजरीवाल पे आरोप लगता है कि मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोलते। ये किसी ने जो कहा है या जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। ये बताइए, बस के अंदर मुसलमान भी चलते हैं, हिंदू भी चलते हैं, सारी महिलाएं जो है हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हो ईसाई हों, सब चलते हैं। ऐसा नहीं है, अगर वो सुविधा देता है स्वास्थ्य की तो ये नहीं मुसलमानों को नहीं देता, वो हिंदू को भी होती है, मुसलमान को भी होती है, सिख के लिए भी होती है, पारसी के लिए, सबके लिए होती है। स्कूल के अंदर जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, ईसाई पढ़ते हैं। ये तो लोगों ने तरह तरह से इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, उसके अंदर इस तरह का भेदभाव की राजनीति नहीं करता। केजरीवाल सबको साथ लेकर सबका साथ अगर बात करता है तो सबके साथ की बात करता है केजरीवाल ने क्या। और यहाँ की बात, यहाँ तो स्वच्छ और दिल्ली को साफ बनाने की बात चल रही है, इस पर हमारी लड़ाई है। आम आदमी पार्टी जो चाहती है वो चाहती है दिल्ली साफ और सुथरी रहे, जहाँ पर हमारी सरकार हो वहाँ पर लोगों को तरह तरह की सुविधाएं मिले, वो हेल्थ में हो, स्कूल के अंदर हो या गली कूचों के अंदर हो, हर तरह की सुविधा देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। आइए हम और भी लोग जानते हैं, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है इस बार? केजरीवाल ही केजरीवाल हो रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा को तो साफ कर सकती है जी। हाँ, वो दो चार आदमी कह रहे हैं लेकिन 80% लोग जो है वो आम आदमी की पार्टी के साथ है। हाँ, 20% में सारी पार्टी है, 80% जो है वो केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये वाजिद खान का आप देख सकते हैं। सर क्या कहेंगे आज लास्ट चुनाव प्रचार है? पद यात्रा है, आज आम आदमी पार्टी जीत रही है और अपने आज हमारी पद यात्रा है यहाँ से जाकी नगर ढलान से लेकर शाहीनबाग तक। लंबी पद यात्रा है, क्या लगता है सर, लोग प्रभावित होंगे सर? देखिए 5 सीट आम आदमी ओखला की, हम 5 सीट जीत रहे हैं, लंबी पद यात्रा होगी, लोग प्रभावित और जनता हमारे साथ है और उस जनता ने दिखाया था। कल भी हमारी बाइक रैली थी और फिर पद यात्रा कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं 5 सीट। सर आपका मुकाबला ये आगे हमारी बुलाने लेडी मुकाबला किससे? मुकाबले में कोई है ही नहीं, मुकाबला नहीं, एक तरफा चुनाव है। क्या लग रहा है? एक तरफा मुकाबला। सब आम आदमी पार्टी है पूरी दिल्ली में, पूरे में सब पूरे सफा आम आदमी पूरे दिल्ली में आम आदमी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सब यही कह रहे हैं कि इस बार फिर से MCD में केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। तो अभी मैं जाकी नगर बटला हाउस के पास हूँ, यहाँ पे एक ढलान है, वहाँ से अभी ये पद यात्रा निकालने वाले है। तो अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया और भी लोगों से बात करते हैं। एक तरफा माहौल है MCD में, केजरीवाल की सरकार आ रही है और यहाँ आरिज खान बहुत वोटर है, जीत रहे हैं सलमान आरिज। कोई नहीं है टक्कर पे। तसल्लियों के 15 साल वो सारे वादे क्या हुए, हमें हर एक सवाल का हर एक जवाब चाहिए और अगर जवाब ना मिल सके तो फिर इनकलाब चाहिए। ये इनकलाब है, ये सलमान आरिज का इनकलाब है। ये एक तरफा कोई मुकाबला नहीं है, दानिश भाई को बहुत साल देख लिया, अब कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा झाड़ू का एक तरफा है और झाड़ू जीत रही है, पूरी MCD में सरकार आ रही है केजरीवाल की। तो ये देखिए लोगों का कहना है कि इस बार फिर से MCD में केजरीवाल की सरकार बन रही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए प्रशासन भी मुस्तैद है ताकि किसी तरह की कुछ
अनहोनी घटना ना हो जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। तो ये देखिए यहाँ पे गाजे बाजे के साथ अभी कुछ ही देर में यहाँ से लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये एक पद यात्रा की तैयारी है, साथ में यहाँ पे जो आपके विधायक है अमानतुल्ला खान वो भी मौजूद रहेंगे, साथ ही यहाँ के जो प्रत्याशी है आरिज खान, उनकी वाइफ सलमा आरिज, वो भी साथ में मौजूद रहेगी। तो आप बाजिद खान को देख सकते हैं यहाँ पे, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये शाहीन बाग वार्ड नंबर 189 से प्रत्याशी है, आपके अभी फिलहाल प्रेजेंट काउंसलर है। यहाँ पे पद यात्रा में शामिल होने के लिए महिलाएं भी अपने घर से निकल रही, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रही है। कुछ ही देर में ये यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है।